आप बाइंग ये प्रॉपर्टी डाउनलोड करके इस प्रोजेक्ट को गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 300 से ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट्स के लाइव वीडियोस, लेआउट, प्राइस, डील्स और डिस्काउंट्स देख सकते हैं और बिल्डर से डायरेक्टली खरीद सकते हैं लोवेस्ट कीमत पे और एक अशोर्ड कैशबैक के साथ में केवल 4 स्टेप्स। पहला, एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर में फिल्टर पे क्लिक करने पे अपना मनपसंद एरिया सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई फिल्टर पे करके सारे प्रोजेक्ट देख सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के वीडियो आइकॉन पे क्लिक करने पे उस प्रोजेक्ट के सारे वीडियोस देख सकते हैं, प्रोजेक्ट के लेआउट्स और कीमत की जानकारी मिल जाती है। तीसरा, ऑफर्स में स्पेशल डील्स और डिस्काउंट्स के बारे में पता चलता है। और चौथे, कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करने से डायरेक्टली बाइंग या प्रॉपर्टी या बिल्डर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गोल्डन आई नोएडा एक्सटेंशन के प्राइम टेक जोन पे बन रहा एक प्रीमियम मिक्स लैंड यूज का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में ऑफिस स्पेसेस, रिटेल दुकानें, स्टूडियोज, कमर्शियल प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस बन रहे हैं। प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टेटस आज के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है और साथ ही में एक प्राइम लोकेशन पे एक काफी बड़ी विजिबिलिटी होने की वजह से ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा फुटफॉल एक्सपेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट में काफी सारे प्रोमिनेंट ब्रांड्स ने अपने आउटलेट्स की फिनिशिंग शुरू करी दी है और कुछ ही टाइम में ये फुली ऑपरेशनल हो जाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा जान लेते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो रिटेल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज का हब तो बन ही रहा है, पर जिंदगी की सभी चीजें, चाहे शॉपिंग, काम, रहना या एंटरटेनमेंट, उनको भी पूरा करता है और वो भी ग्रेटर नोएडा की प्राइम लोकेशन में। ऐसा ही प्रोजेक्ट गोल्डन आई को आज हम जानेंगे। गोल्डन आई ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 4 में बन रहा है और ये मिक्स्ड यूज लैंड का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट गौर चौक से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे है और काफी आइडियली प्लेस्ड है। ये एक कॉर्नर का प्लॉट है जो कि 2 साइड ओपन है और सामने 135 मीटर की रोड है और वहीं पे साइड पे 45 मीटर की। प्रोजेक्ट को 135 मीटर की तरफ से 20 मीटर का ग्रीन बेल्ट मिलता है जो कि प्रोजेक्ट को एक काफी इंप्रेसिव फ्रंट एलिवेशन में मदद करता है। प्रोजेक्ट के आसपास का एरिया पूरी तरह से डेवलप्ड है और यहाँ पे लाखों की संख्या में ऑलरेडी फ्लैट्स बने हुए हैं। प्रोजेक्ट के पास में ही मेट्रो प्रपोज्ड है और कंप्लीशन के बाद में वो 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में आ जाएगी। वहीं पे आसपास में काफी सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी बिल्कुल नजदीक में ही हैं। प्रोजेक्ट के सामने ही आईटी और आईटीएस का एक और प्रोजेक्ट है जहाँ पे IBM और आर सिस्टम जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो लोकेशन वाइज तो प्राइम है ही, पर किसी भी कंपनी के लिए यहाँ पे मैन पावर मिलना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आसपास में काफी सारी फैमिलीज ऑलरेडी रिजाइड कर रही हैं। प्रोजेक्ट मेन रोड पे होने की वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बड़े आराम से मिल जाती है और कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं होता है। प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 25 एकड़ पे बना हुआ है और साथ ही में इसके अंदर में दुकानें, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस, आईटी और आईटीएस के लिए, साथ ही में रेजिडेंशियल 3 BHK का टावर, वहीं पे 1 BHK के कॉर्पोरेट स्टूडियोज, होटल और शॉप कम ऑफिस की जगह मिल जाती है। प्रोजेक्ट में लो राइज और हाई राइज का मिक्स है। प्रोजेक्ट की 135 मीटर और 45 मीटर रोड को लो राइज टावर्स फेस करते हैं। लो राइज टावर्स लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट से लेके 4th फ्लोर तक बने हुए हैं, जहां पे लोअर ग्राउंड पे हाइपरमार्केट्स और एंकर स्टोर्स है और वहीं पे अपर ग्राउंड पे फूड कोर्ट और डबल हाइट की रिटेल दुकानें भी हैं और वहीं पे फर्स्ट से लेके 4th तक ऑफिस स्पेसेस हैं। लो राइज टावर्स के पीछे ही हाई राइज आईटी और आईटीएस के टावर्स बन रहे हैं। लो राइज के ब्लॉक डी और ई 135 मीटर को फेस करते हैं और वहीं पे टावर्स ए बी सी 45 मीटर को फेस करते हैं। ए बी सी के लो राइज 2 रोज में बने हुए हैं और दोनों रोज एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों रोज के बीच में एट्रियम का एरिया है। लो राइज टावर्स के पीछे ही हाई राइज आईटी और आईटीएस के टावर्स हैं। हाई राइज के आईटी आईटीएस टावर्स के बीच में
सेंट्रल लॉन एरिया है जो कि तकरीबन 5 एकड़ पर फैला हुआ है। ITITS के हाई राइज के इस प्रोजेक्ट में 5 टावर्स हैं। वहीं पे प्रोजेक्ट के दूसरे एंड पे एक टावर हाई राइज अपार्टमेंट्स का है जो कि 3 BHK का है, और दूसरा हाई राइज का टावर स्टूडियो अपार्टमेंट्स का है जो कि कॉर्पोरेट स्टूडियोज है। वहीं पे एक टावर होटल के लिए भी बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट में शॉप कम ऑफिस के लिए कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, जिन पे ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल और 4 मंजिल तक ऑफिस स्पेस बनाए जा सकते हैं। वहीं पे रेजिडेंशियल की बात करें तो हाई राइज का 3 BHK का टावर ग्राउंड प्लस 24 स्टोरीज का है और स्टूडियोज का ग्राउंड प्लस 15 स्टोरीज। स्टूडियोज 550 और 650 स्क्वायर फीट की कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाते हैं। अगर प्रोजेक्ट की ओवरऑल बात करें तो अपनी पर्सनल यूज के लिए दुकानें, ऑफिस स्पेस और चाहे रेजिडेंशियल में स्टूडियोज और फ्लैट तो मिल ही जाते हैं, पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी यहाँ पे अशोर्ड रेंटल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, और वो भी एक छोटे टिकट साइज से लेके एक बड़े टिकट साइज में। प्रोजेक्ट के आसपास में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, जो कि काफी सारी कंपनीज के लिए फायदेमंद हो सकता है और उनकी मैन पावर की नीड्स यहाँ पे बड़ी आराम से मीट हो सकती है। वहीं पे सामने ही कॉर्पोरेट कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और कनेक्टिविटी वाइज भी ये बिल्कुल प्राइम है। एक छोटे टिकट साइज में प्राइम लोकेशन पे अश्योर रेंटल के साथ में ऑप्शंस को कंसिडर किया जाए तो ये लेने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।